नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। आज का विषय है कन्या राशि, 4 दिसंबर 2018, राशिफल भविष्यवाणी क्या कहता है, आज का दिन आपका क्या छुपा है, आज के दिन में कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है, और वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उपाय को करके और अशुभ और शुभ समय की जानकारी प्राप्त करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चंद्रमा 9 ग्रहों में सूर्य के बाद क्रम में दूसरा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन, माता और मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तु, यात्रा, सुख, शांति, धन संपदा, बाई आंख व छाती का कारक होता है। चंद्रमा का आकार बाकी ग्रहों से छोटा, लेकिन चंद्रमा गति में तेज है। चंद्रमा 2.25 दिन में भ्रमण करके एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह आपकी राशि है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए धन भाव का चंद्रमा क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे भाव का चंद्रमा अधिकांशतः लाभ देता है। आज आपका परिवार बड़ा ही खुशहाल रहेगा। परिवार में सदस्यों की बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। नौकरी, व्यापार के माध्यम से धन कमाने व जोड़ने में आप सफल रह सकते हैं। धन कमाना अधिक आसान नहीं होगा। कुछ दिक्कतें, परेशानियां, कुछ चैलेंजेस आपको आएंगे, तो समझदारी से काम लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आज आपके लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। जो बेरोजगार हैं वह प्रयास करें, उन्हें नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कतें आ सकती हैं पढ़ाई में। स्त्रियों के माध्यम से आप धन कमाने में सहायक होंगे। आज आप बिना सोचे समझे किसी को भी डांट फटकार या अपशब्द बोल सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते और आपके सम्मान में गिरावट आ सकती है। आज आपके चेहरे पर लालिमा छाई रहेगी। स्त्रियों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। बढ़िया भोजन व बढ़िया वस्त्रों की खरीदारी भी संभव है। कुल मिलाकर आज आप 75% तक लाभ कमा सकते हैं। आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपको सरकार की तरफ से अवार्ड इत्यादि भी मिल सकता है। आज आप एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने की सोच सकते हैं। नेत्रों से संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी संतान विदेश यात्रा पर जा सकती है। अपने भाई या पत्नी के भाई से रिश्तों को सुधारा जा सकता है या उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने वंश को बढ़ाने वाले होंगे। दूध, दही, पानी का जो व्यापार करते हैं उनको लाभ होगा, या इससे जुड़ा जो व्यापार करते हैं उनको भी लाभ होगा। शिक्षकों को अच्छा लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिल सकता है, या कोई विवाद है तो वह समाप्त हो सकता है। आज आपके घर लक्ष्मी का वास होगा। आपको विदेश जाकर नौकरी, व्यापार व शिक्षा से भी लाभ होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज आप सरकार की तरफ से सम्मानित हो सकते हैं, तो इसमें जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग सोशल वर्क करते हैं या किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्य करते हैं, या बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करके किसी कंपटीशन में नाम रोशन करके, खेल कूद में नाम रोशन करके भी सरकार द्वारा सम्मान और इनाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़िया समय है, बढ़िया तरीके से बिताइए समय को। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो आज आप मछलियों को यदि चावल खिलाते हैं, यानी चावल का भोजन कराते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से दिन का शुभारंभ करने से, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके दिन का शुभारंभ करने से आपका दिन और उत्तम जाएगा और आपको बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुभ अशुभ समय की। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:31 तक। अमृत काल रहेगा 18:09 से 19:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 13:54 से 14:35 तक। और अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल और विजय मुहूर्त में आप शुभ काम कर सकते हैं। अशुभ मुहूर्त रहेगा, राहु काल रहेगा 14:45 से 16:02 तक। यमगण काल रहेगा 9:36 से 10:54 तक। इस समय में थोड़ी सावधानी रखिएगा, कोई भी शुभ काम ना करें। और तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष द्वादशी। नक्षत्र रहेगा स्वाति। योग रहेगा शोभन। और आज का त्यौहार रहेगा प्रदोष व्रत। तो आप सभी लोगों का दिन बेहतर जाए, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हरिओम, नमस्कार।